चलो माइक कैमरा एक्शन चालू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास ट्वेल्थ में क्या क्या चीज़ें हैं? क्लास इलेवेंथ में आप ज़्यादातर मास के बारे में बात करते हो, एक मास है उसकी स्पीड है, एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगा रहा है, मास वेलोसिटी से घूम रहा है, मास लुढ़क रहा है, रोटेट कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, मतलब सारी कहानी मास के चारों तरफ घूमती है। जबकि क्लास ट्वेल्थ में मास को हटा के चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे सारी बात चार्ज के बारे में होती है। चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, सब कुछ चार्ज से रिलेटेड रहता है ट्वेल्थ में और सब कुछ मास से रिलेटेड रहता है इलेवेंथ में। तो क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब पहली बुक है, वो सारी की सारी चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन, चार्ज एक्सेलरेशन, उसी के ऊपर है। सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे, मतलब सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आएगा, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे है। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा होता है कहीं पे, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है ना चारों तरफ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज आ जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स लगता है तो उनके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो अगर चार्ज को किसी मेटल सर्फेस के ऊपर रख दें तो क्या होगा, चार्ज को किसी मेटल के अंदर रख दें तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट होते हैं, जिसको पहला चैप्टर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, ये आपका पहला चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर इसमें होता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इन दोनों चैप्टर में आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितना भी चार्ज वगैरह मैं बात करूंगा चार्ज के बारे में, सारा चार्ज आराम से बैठा होगा, रेस्ट पे बैठा होगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज इज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बाहर की बात हो जाती, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कौन सा आ जाएगा सर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, चार्ज पार्टिकल्स एट मोशन पढ़ेंगे आप। उसमें कौन सा चैप्टर है, सबसे पहले पढ़ोगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि भैया एक वायर है उस पर बैटरी कनेक्ट करी है तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इधर से उधर, करंट बना रहे हैं, हीट बना रहे हैं, सारी कहानी है, पावर है, एनर्जी है, सब कुछ है बहुत अच्छे से, सीरीज में रेजिस्टेंस है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मोशन होता है। उसके बाद जो चैप्टर आते हैं उसमें आप पढ़ते हो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो करंट पैदा हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, उनके चारों तरफ कुछ मैग्नेट वगैरह भी बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर एक काम कर लो, एक चैप्टर ट्वेल्थ का पढ़ा दो और एक चैप्टर फिर इलेवेंथ का पढ़ा दो, फिर एक ट्वेल्थ का पढ़ा देना फिर एक इलेवेंथ का पढ़ा देना। तो मतलब ऐसा सुनने में तो अच्छा लगता है कि दोनों साथ में हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, बट रियलिटी में ऐसा होना अच्छा चीज़ नहीं है, ऐसा मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्लास ट्वेल्थ हो या क्लास इलेवेंथ, सारे चैप्टर आपस में लिंक होते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बाद अगर मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं उसके बीच में कोई ट्वेल्थ का चैप्टर डाल दूंगा ना तो आपका टच छूट जाएगा, आपको लगेगा अरे यार भूल गए। तो जब मैं आपको वापस से इलेवेंथ पढ़ाऊंगा तो आप पीछे का भूल चुके होंगे, इसलिए एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तभी मैंने ऐसे रखा है, पहले आधा इलेवेंथ उसके बाद आधा ट्वेल्थ। तो अभी हम आधा पूरा ट्वेल्थ करेंगे, है ना, मतलब पहली बुक पूरी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि साथ में इलेवेंथ को क्लब करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बीच में ट्वेल्थ डाल देनी चाहिए तो अभी नहीं करेंगे हम, वो बात की चीज़ है, रिविजन के टाइम करा सकते हो, अभी मत कराना। ओके बच्चा, चलिए सर, तो हमारा पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका नाम उसके अंदर सब हेडिंग डालिएगा। सबसे पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। ओके, हाँ जी सर, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहला किरदार हमारी कहानी का, सबसे इंपॉर्टेंट राजा, इसका नाम है चार्ज। चार्ज होता है क्यू। मतलब सही में इससे अच्छा आंसर नहीं मिला तुम्हें, चार्ज क्या होता है, क्यू, खत्म, बात समाप्त। देखो क्या होता है, चार्ज और मास किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज और मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। चार्ज कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का चार्ज होता है। हमने दो डिफरेंट टाइप के चार्ज पाए जाते हैं नेचर में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक क्लास में बोलता है एक बच्चा सर तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल।
न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही टाइप के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हमने बांट दिए, और ये जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके पास होता है, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटोन के पास होता है। प्रोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज माना जाता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो रहे होंगे या फिर कोई चार्ज नहीं होगा। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। जैसे कि चार्ज को आपने क्यू से डिनोट कर दिया, स्मॉल से भी कर सकते हो, कैपिटल से भी कर सकते हो। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है सर, चार्ज प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। ऑल राइट, तो दोनों में से किसका चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर? हाँ जी, आपने अभी अभी बताया इक्वल होता है, तो माइनस प्लस से कंफ्यूज मत होना सर, पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला छोटा, नहीं सर, माइनस प्लस सिर्फ आपको प्रॉपर टाइप बता रहा है कि एक अलग टाइप का है एक अलग टाइप का है, बाकी दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटोन इज वेरी वेरी हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काफी ज्यादा बड़ा होता है। किसी को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैसे, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये होता है प्रोटॉन का मास, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो 10⁻³¹ है, ये माइनस में 27 है, तो −27 काफी बड़ा हो गया और −31 उसके कंपेयर में छोटा हो गया। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, चार्ज दोनों का बराबर। ठीक है सर, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ प्रोटॉन, नेगेटिव हुआ इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज मैंने लिखा, इसका यूनिट होता है कूलम्ब, सी आपने डिनोट कर दिया, प्रोटॉन का मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम, दैट्स इट, यहां तक आ गए। अब चार्ज के अंदर कुछ खास बात होती है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी, कोई बता सकता है मुझे चार्ज के अंदर क्या खास चीज होती है? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा था, ओके, यहां पॉजिटिव चार्ज रखा था, ये इसको इधर पुश करने लगा, ये इसको इधर पुश करने लगा, इसका क्या मतलब है? या फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा है, ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, तो हमें क्या समझ में आया, प्रॉपर्टी में क्या समझ आया हम लोगों को, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स इट। समझ रहे हो, सेम टाइप के चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। जैसे कि अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव भी बना देता तो आपने देखोगे कि नेगेटिव भी नेगेटिव को रिपेल करता है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो ये सेम टाइप के चार्ज रिपेल कर रहे थे और डिफरेंट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट कर रहे थे, नेचुरली ऐसा हो रहा था। तो इसकी प्रॉपर्टी में लिख लिया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नंबर वन प्रॉपर्टी। ठीक है, खाली अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन भी हो जाता है, देख लेना बस एक बार। नंबर टू प्रॉपर्टी, नंबर टू, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है किसी को? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, मैं कोई बहुत जल्दी भागने वाला नहीं हूं, एक एक बेसिक से चीज बताऊंगा आपको, तब जाके ऊपर लेके जाऊंगा। अगर किसी को ये आता हो तो कोई बात नहीं, अपनी पेटियां बांध के बैठो, गाड़ी ऊपर जाएगी, बट अभी शुरुआत नीचे से ही होगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जब कोई चीज अपनी वैल्यू चेंज नहीं होने देती, मतलब अपनी वैल्यू को कांस्टेंट रखती है। जैसे कि मान के चलो एक छोटा सा छोटा सा घर है, उस घर में 10 लोग रहते हैं, सबके पास कुछ कुछ पैसे हैं, है ना, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, वो एक ने पैसे दूसरे को दिए, दूसरे ने तीसरे को दिए, एक दूसरे का पैसा इधर उधर वो ट्रेड करते रहते हैं, बट 10 ही लोग हैं, कोई 11वां बंदा है ही नहीं, तो उनका जो टोटल अमाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ऐसा हो सकता है कि किसी एक का पैसा दूसरे के पास चला जाए, दूसरे का पैसा तीसरे के पास चला जाए, बट उनका जो 10 लोगों का मिला के टोटल अमाउंट ऑफ मनी है ना, वो कभी चेंज नहीं होने वाला ना। सेम ऐसा ही होता है चार्ज के साथ। अगर आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हो, ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता ना हो, इसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ना हो। एक बॉक्स में आपने दो दो चीज़ों को बंद कर दिया, तो उनके अंदर जितना चार्ज आज है 100 साल बाद भी उनके अंदर टोटल उतना ही चार्ज रहेगा। आपस में वो लेन देन कर सकते हैं, एक का चार्ज बढ़ सकता है दूसरे का घट सकता है, बट उन दोनों का कंबाइंड चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। लिखते रहो मेरे साथ। जैसे कि आपने बोला कि आपके पास ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम था, इसमें तीन ये थे चार्जेस, ये तीन स्फीयर मान लो अलग अलग, इसके ऊपर चार्ज था Q1, इसके ऊपर चार्ज था Q2 और इसके ऊपर चार्ज था Q3। आपने इनको आपस में टच किया तो चार्ज वगैरह ट्रांसफर हुए, उसके बाद इनका चार्ज चेंज हो गया कुछ ना कुछ, इन तीनों का चार्ज बदल गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q4, इसके ऊपर आ गया Q5, इसके ऊपर आ गया Q6। तो ये इनिशियल सिचुएशन थी और ये आपकी फाइनल सिचुएशन थी। तो आप क्या बोल सकते हो, इन तीनों का टोटल चार्ज कभी नहीं चेंज होने वाला। अलग अलग तो हो जाएगा चेंज, बट टोटल कभी चेंज नहीं होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू हमेशा Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 के बराबर ही आएगा टोटल, अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पे ही काम करता है। ऑल क्लियर, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी की तरह, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। आप इसको बना नहीं सकते, आप इसको मिटा नहीं सकते, आप इसको पैदा नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपके कुछ हाथ में नहीं है। लेबोरेटरी में चार्ज पैदा नहीं होते सर, नेचुरली जो है सो है। आगे चले, दो प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई। यस 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 यस, नंबर थ्री। हाँ जी, नंबर थ्री प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ ये भी है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे, अभी क्वांटाइजेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई समझा सकता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग। ओके, आओ एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है उसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले तो वो न्यूट्रल कहलाता है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर दिया। मैंने इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर निकाला तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालना पड़ेगा ना मुझे, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो तुरंत इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, जब आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो डोमिनेट कौन करने लग जाता है, कौन डोमिनेट करने लग जाता है, प्रोटॉन डोमिनेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पता है वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, वो होगा प्लस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्या आप किसी भी चीज को इससे कम चार्ज दे सकते हो, किसी भी चीज को आप क्या 1.6 × 10⁻¹⁹ से छोटा चार्ज दे सकते हो, इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन को आधा निकाल दिया आधा छोड़ दिया कि सर टांगे अंदर रह गई हाथ पैर बाहर निकाल लिए हमने उसके तो आधा आधा चार्ज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो कम से कम इट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है सर। अगर कोई कह रहा है कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे दिया 1.5 × 10⁻¹⁹, तो बेटा घुमा के चौटा मारना उसको, अरे ये तो गलत चीजें नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। 1.6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 1.6 सबसे छोटा है, दैट्स इट, ये पॉसिबल है ही नहीं, मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। अच्छा मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज दे दो। तो थोड़े से ज्यादा का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल ही लिया था, थोड़ा सा ज्यादा कम से कम एक और निकालना पड़ेगा, तो आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले चार्ज कितना हो गया बताओ, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, मतलब 3.2 × 10⁻¹⁹, मतलब दो गुना हो गया। क्या आप 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज बना सकते हो, 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज दे सकते हो किसी चीज को, नहीं ना, कम से कम दो तो निकालने पड़ेंगे। तो मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो इंटीजर मल्टीपल होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ के। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक से मल्टीप्लाई, दो निकालोगे तो दो से मल्टीप्लाई, तीन निकालोगे तो तीन से मल्टीप्लाई, चार निकालोगे तो चार से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आने वाला चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ई मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज और एन का वैल्यू कितना हो सकता है 1
2, 3, 4, 5 जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है वो ये नंबर है। तो अब यहाँ पे आप चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, उससे मुझे लेना देना नहीं है। प्लस आप कब लगाओगे? जब आपने चार्ज को निकाला होगा। माइनस कब लगाओगे? जब आपने चार्ज बाहर से इंसर्ट कराया होगा। तो वो आप इतने समझदार हैं कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, बट याद रखिएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई। ई को कहा जाता है बेटा क्वांटा। क्या कहा जाता है? क्वांटा। क्वांटा इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻¹¹. तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक अलग बात हो गई। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करा सकता हूं आपको मैं, जैसे कि मैंने आपसे कुछ चार्ज लिखूंगा, आपसे पूछूंगा क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, आपको बताना है कि पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे नंबर वन, चार्ज आया क्यू इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻²¹ कूलम। बताओ भाई क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कैसे किया? क्या करा? Q इक्वल टू एन से करके देख लिया। N का वैल्यू होता है Q बाई ई, Q का वैल्यू 3.2 × 10⁻²¹, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹. सॉल्व किया तो आया 10⁻¹, मतलब आता है 0.1। N का वैल्यू 0.1, क्या ये इंटीजर है? आपने कहा सर ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो एक से भी छोटा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का 1/10 पोर्शन बाहर निकाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चार्ज था 6.4 × 10⁻¹¹ कूलम। क्या यह चार्ज पॉसिबल है? पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। N का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ रहा है आई थिंक, 40 आ रहा है ना, निकाल के देखा होगा आपने Q बाई से, 40 आ रहा है, मतलब 40 इज ये इंटीजर नंबर है, पूरा कंप्लीट नंबर है 40। तो दिस चार्ज इज पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज आप यहां से चेक कर सकते हो, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4, which is invariance of charge. Invariance of charge. कोई समझा सकता है बेटा क्या होता है ये invariance of charge? Independent of frame of reference. देखो यार दो चीज़ें हैं, एक mass और एक charge. दोनों लगभग एक ही जैसी, मतलब एक ही जैसी property show करती हैं, तो दोनों को fundamental property कहते हैं। तो mass के साथ क्या दिक्कत है ना, mass ना किसी भी particle की speed पे depend करता है। मास एक स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आई नो आप सुन के थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या बदतमीजी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं और मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो मेरे मास में चेंज हो रहा है, और मैं कहूंगा यस यू आर करेक्ट, बस बशर्ते एक छोटी सी कंडीशन है कि आपकी कार की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा दो, इतना ज्यादा बढ़ा दो कि लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में आप उसको नेग्लेक्ट ना कर पाओ, मतलब काफी ज्यादा बढ़ा दो, तो उसके मास में चेंज आना शुरू हो जाता है। थियोरेटिकली ऐसा प्रूवन है, इसका एक फॉर्मूला भी है, आइंस्टाइन अंकल ने बताया हुआ है कि जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, उसके मास पे सिग्निफिकेंट चेंज आना शुरू हो जाता है। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बट रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्पीड होती बहुत कम है, 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उससे ज्यादा कहां भाग जाओगे, तो हम ऐसे रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। तो कुल मिला के जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, दिस इज प्रूवन, दिस इज ट्रू, बट ऐसा कुछ भी हम चार्ज के साथ नहीं होता, चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी पार्टिकल की स्पीड को कितना भी बढ़ा दो, चाहे लाइट की स्पीड के बराबर क्यों ना कर दो, कितना भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, उसका चार्ज जितना रेस्ट पे है उतना ही चार्ज मोशन में होगा। मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों डिपेंडेंट नहीं है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। लिख सकते हो क्या ये बात? The value of charge on any object is independent of its speed. इसीलिए इसको invariance कहा जाता है, मतलब vary नहीं करती उसके साथ। अब समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी object के ऊपर जो charge होता है वो speed के साथ change नहीं होता। This property is called invariance of charge. क्या mass भी ये property follow करता है? Invariance of mass valid है? Answer is no. Mass vary करता है। Okay sir, ठीक है sir.